ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज द प्लांट एनाटॉमी, हम लोग इसमें आज जो बात करेंगे केवल जनरल प्लांट एनाटॉमी की बात करेंगे, बेसिक लेवल की जो एनाटॉमी, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है दैट इज द एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ और द अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी, तो उसकी बात हम चूंकि बेसिक चीजें जान लें फिर उसकी बात हम लोग डिटेल में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी है क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड देयर पार्ट। इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स एंड देयर पार्ट। जबकि प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या था? इट इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड देयर पार्ट। तो एनाटॉमी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड देयर पार्ट। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करो, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, कैसे कैसे, कौन सी सबसे बेसिक यूनिट है जो मिल मिलके क्या बनाती है, एक सेल बनाती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, या किस लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सबसे जो बेसिक होता है दैट इज द एटम। एटम से नीचे कोई चीज होती नहीं है, फंडामेंटल यूनिट है। एटम मिलके क्या बनाते हैं? दैट मेक द मॉलिक्यूल। दीज मॉलिक्यूल्स मेक द लिविंग सेल्स, चाहे वो प्लांट सेल्स हो या एनिमल्स हो। यही सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? दीज सेल्स आर द यूनाइटेड टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू विच हैविंग द सिमिलर इन द ओरिजिन एंड फंक्शन। जिनका काम क्या होता है? ओरिजिन में भी सिमिलर होते हैं एंड ऑल्सो परफॉर्म ए फंक्शन। दैट ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड द टिश्यू। ओके, दीज टिश्यू आर द ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म ए पर्टिकुलर ऑर्गन लाइक दैट। इन प्लांट की बात करोगे जैसे लीफ, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, दीज आर द प्लांट ऑर्गन। वैसे अगर एनिमल में बात करोगे लाइक दैट हार्ट, किडनी, लीवर, दीज आर द ऑर्गन। ये सब मिलकर क्या करते हैं? कई फंक्शन मिलकर पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, लाइक दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो एक पूरा एक सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट आर कॉल्ड द ऑर्गन। और इन्हीं से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और पूरे ऑर्गन मिलके कोऑर्डिनेट करके क्या बनाते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लाइक दैट प्लांट्स आर द एनिमल्स। तो दीज आर द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द एटम, देन मॉलिक्यूल, देन सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, और दीज सिस्टम मेक द ऑर्गेनिज्म। ओके, व्हाट इज द टिश्यू? अब सेल की बात तो ऑलरेडी कह दी गई, सेल इज द बेसिक यूनिट। अगर लिविंग की बात करो तो सेल के नीचे सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है? दैट इज द सेल। अब सेल को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी? सेल डेड कर जाएगी। तो जो सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज द सेल। ये सेल और टिश्यू में क्या अंतर होता है? टिश्यू क्या होते हैं? ये तो मालूम है कि टिश्यू आर द मेडअप ऑफ द सेल। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी दैट इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ द टिश्यू। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर द सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन। दे आर द सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स, इन ओरिजिन एंड द फंक्शन। ये क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू की बात करोगे तो टाइप ऑफ टिश्यू, अगर प्लांट और एनिमल, अगर एनिमल सेल से बना है तो एनिमल टिश्यू, प्लांट सेल से बना है दैट इज द प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में टू टाइप ऑफ द टिश्यू आर द फाउंड, वन इज द मेरिस्टमेटिक टिश्यू, अनदर इज द परमानेंट टिश्यू। दोज टिश्यू जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है दैट आर कॉल्ड एज द मेरिस्टमेटिक टिश्यू। दोज टिश्यू व्हिच डज नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ द डिवीजन दैट आर कॉल्ड एज द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू आर द थ्री काइंड, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, हेलो, हाँ बोलो सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों भाई, सबको नहीं स्क्रीन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सर। आपका प्रॉब्लम हो रही है, सबको दिखाई तो दे रहा है।
दैट आर द एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लेटरल मेरिस्टेम. तो एपिकल मेरिस्टेम क्या है? जो एपेक्स पे पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं किसके, इन द लेंथ, प्लांट के लेंथ में ग्रोथ कराते हैं. इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है? जो साइड में पाए जाते हैं और प्लांट के ग्रोथ की मोटाई में, ग्रिथनेस में ग्रोथ करते हैं, दैट आर कॉल्ड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. और इनके अलावा जो अन्य मेरिस्टेम पाए जाते हैं, जो एपिकल के अलावा जो साइड में पाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड द लेटरल मेरिस्टेम. चलिए एक एक को देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू? ओके, मेरिस्टमेटिक टिश्यू आर द लिविंग सेल, मे बी द परमानेंट टिश्यू भी आल्सो लिविंग सेल, बट इसमें डेड सेल्स नहीं होंगे. परमानेंट सेल्स में डेड सेल भी हो सकते हैं, बट इन द मेरिस्टमेटिक टिश्यू ऑल आर द लिविंग. इट हैव द फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल्स हैं, इनमें डिवीजन की कैपेसिटी है, देयरफॉर दे हैव द डेंस साइटोप्लाज्म. दे हैव द डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई, नो वैक्यूल, नो इंटरसेलुलर स्पेस. दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेरिस्टमेटिक टिश्यू. स्मॉल सेल, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई क्या होगी? क्योंकि फंक्शनल है, सेल डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर इट हैज द लार्ज न्यूक्लियाई. इट दिस सेल डज नॉट हैव द एनी वैक्यूल्स, इट डज नॉट हैव द एनी इंटरसेलुलर स्पेस, डज नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेस. वेयर इट इज द फाउंड, ऑलरेडी बात कर चुके हैं. दे आर द बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द पोजिशन आर द रीजन ऑफ द प्लांट मेरिस्टेम. दे आर द थ्री टाइप, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दीज आर द प्राइमरी मेरिस्टेम. ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं, मतलब ये प्लांट में, प्लांट के ओरिजिन से ही हैं. बात समझ रहे हो? यानी प्लांट का कहां से डेवलपमेंट हुआ? जाइगोट से इम्ब्रियो बना. इम्ब्रियो ही क्या बना रहा है? रेडिकल फ्लिम्यूल. दीज आर द पार्ट ऑफ द रेडिकल्स एंड द फ्लिम्यूल. ये शुरू से ही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी मेरिस्टेम. ये कभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है, ये नहीं कि पहले मेरिस्टेम थे, फिर परमानेंट हो गए, फिर मेरिस्टेम हो गए. दे आर द शुरू से ही दे आर द मेरिस्टमेटिक इन द नेचर. दे आर द टू टाइप, एपिकल मेरिस्टेम एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. कुछ मेरिस्टमेटिक टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू जो कहां पाए जाते हैं, एपिकल रीजन में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टेम. कुछ इंटरकैलरी, एपिकल्स के अलावा अदर पार्ट में प्राइमरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं, जैसे नोड्स में पाए जाते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू. कुछ में क्या होती है? नोड्स इंटरनोड्स में ग्रोथ होती है, तो दैट आर कॉल्ड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अनदर इज कॉल्ड द लेटरल मेरिस्टेम. दे आर द डिराइव्ड फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू. दे आर द डिराइव्ड फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू, लाइक दैट कैम्बियम, कार कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम. ये क्या है? जो ग्रिथ में, मोटाई में ग्रोथ कराते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं. दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी मेरिस्टेम. क्यों इनको सेकेंडरी कह रहे हैं? क्योंकि दे आर द फॉर्म बाय द प्राइमरी मेरिस्टेम आर द परमानेंट टिश्यू डेरिवेटिव. प्राइमरी मेरिस्टेम के डेरिवेशन से बने हुए हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है? ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम. इट इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीज टू द हेल्प इन द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम. देख रहे हैं? और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां पाए जाते हैं? एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड. दीज आर द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. और लेटरल मेरिस्टेम कहां है? ये देखिए, दैट आर द कैम्बियम. दे आर कॉल्ड द लेटरल मेरिस्टेम. टाइप ऑफ मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम दैट इज द कैम्बियम. ये क्या करते हैं? ग्रिथ में ग्रोथ कराते हैं, बाय द सेकेंडरी ग्रोथ रूट एंड स्टेम इन द ग्रिथ, मोटाई में. देख रहे हैं? दीज आर द वैस्कुलर कैम्बियम, दीज आर द कार कैम्बियम. ये क्या करता है वैस्कुलर कैम्बियम? इट कट सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड द इनर साइड, सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड द आउटर साइड. ओके, लाइक दैट वैस्कुलर कैम्बियम एंड द कार कैम्बियम आर द एग्जाम्पल ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम. मेरिस्टेम पे कई थ्योरी आई, उस थ्योरी की बात करें, डिटेल में तो नहीं बात करेंगे यहाँ पे.
दैट इज द फर्स्ट वन कॉल्ड एपिकल सेल थ्योरी विच इज गिवन बाय द नेगेली. किसने दिया था? नेगेली ने इन द 1858. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटायर प्लांट बॉडी डेवलप फ्रॉम द सिंगल एपिकल सेल. ये क्या करते हैं? दे आर द पूरा होल बॉडी इज द डेवलप फ्रॉम द सिंगल एपिकल सेल. दिस थ्योरी इज नॉट ट्रू फॉर द हायर प्लांट. हायर प्लांट में सब नहीं हो सकता है, केवल एक एपिकल सेल क्या करे पूरी प्लांट बॉडी बना दे. बट दे आर द ट्रू फॉर द सम हायर एल्गी ब्रायोफाइट एंड सम टेरिडोफाइट. वो जो छोटे टेरिडोफाइट है वहां तो ये अप्लीकेबल है, अदरवाइज दे आर द डिस्कार्टेड फॉर द हायर प्लांट लाइक दैट एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म. ये कहते हैं कि एपिकल सेल एक सिंगल एपिकल सेल ही क्या करता है, डिवाइड रीडिवाइड करके होल प्लांट बनाता है. अनदर थ्योरी इज कॉल्ड एज द हिस्टोजन थ्योरी. दिस थ्योरी इज गिवन बाय द हैंस्टीन इन 1870 में हैंस्टीन ने इस थ्योरी को दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द स्टेम एंड रूट्स. एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द स्टेम एंड रूट इज कंपोज ऑफ द थ्री जोन. इट इज द कंपोज ऑफ द थ्री जोन. जो एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं स्टेम या रूट की, इन्होंने कहा कि दैट हैव द थ्री जोन दैट आर कॉल्ड द हिस्टोजेन. दे आर द डिफ्रेंशिएटेड इन टू द थ्री जोन. जोन कौन से हैं? डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लूरो. डर्मेटोजेन इज द आउटर कवरिंग. इट इज द सिंगल लेयर जोन. इट डिवाइड एंड रीडिवाइड गिव टू द एपिडर्मिस. पेरिब्लेम इज द मिडिल जोन. इट इज द मिडिल जोन. इट इज द सेवरल लेयर थिक. सेवरल लेयर थिक. इट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू गिव द कार्टेक्स एंड द इंडोडर्मिस. इट गिव द कार्टेक्स एंड द इंडोडर्मिस. और गेट प्लूरोम. इट इज द इनर मोस्ट जोन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम. आर अनदर वर्ड इट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल जोन. इट गिव राइज टू द स्टील इंक्लूडिंग पिथ. यानी वैस्कुलर बंडल प्लस पिथ को क्या करते हैं? डिवाइड एंड रीडिवाइड करके फॉर्म करते हैं. रूट एपेक्स में एक चौथा जोन भी होता है दैट इज कॉल्ड एज द क्लिप्रोजेन. उसको क्या कहते हैं? क्लिप्रोजेन. जो इन तीनों जोन को ऊपर से कवर किया रहता है दैट मेक द रूट कैप. वो क्या बनाता है? इट मेक द रूट कैप दैट इज कॉल्ड एज द क्लिप्रोजेन. तो चौथा लेयर है उसमें. किसमें? इन द रूट एपेक्स, इन द रूट एपिकल मेरिस्टेम. तो दीज आर द थ्री जोन, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लूरो. ओके, तो दिस इज द हिस्टोजेन थ्योरी. अनदर थ्योरी इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका कार्पस थ्योरी. बड़ा विवाद रहा कि जो अंदर वाले जो दो जोन बना रहे थे डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लूरो, पेरिब्लेम और प्लूरो में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता. तो इन्होंने, स्मिथ साहब ने दिया था इन 1924. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन द एपिकल मेरिस्टेम ओनली टू जोन इज द फाउंड, नॉट थ्री जोन लाइक दैट हिस्टोजेन, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लूरो. एक है केवल दो जोन पाया जाता है. आउटर जोन इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका एंड इनर मोस्ट आर द सेंट्रल जोन इज कॉल्ड एज द कार्पस. ट्यूनिका इज कंसिस्ट ऑफ द मेनी लेयर्स. इट मे बी द सिंगल आर इट मे बी द मेनी लेयर. इट डिवाइड बाय द एंटीक्लाइनल डिवीजन एंड कार्पस हैव द मास ऑफ द सेल व्हिच अंडरगो द डिवीजन इन द मेनी प्लेन. वो केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन करता है जबकि ये क्या करता है? एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल हर प्लेन पे डिवाइड करता है. कौन? कार्पस. जबकि ट्यूनिका ओनली परफॉर्म द एंटीक्लाइनल डिवीजन. जो ट्यूनिका होती है इट गिव द एपिडर्मिस. जो एपिडर्मिस होता है दैट अराइज फ्रॉम द ट्यूनिका व्हाइल द कार्पस और रिमेनिंग टिश्यू आर द अराइज फ्रॉम द कार्पस. मतलब एपिडर्मिस के अलावा जो अदर पार्ट होते हैं दैट आर द डिराइव फ्रॉम द कार्पस पार्शली फ्रॉम द ट्यूनिका. जो लाइक दैट कार्पस कार्टेस का कुछ पार्ट होता वो भी दैट अराइज फ्रॉम द ट्यूनिका बट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ट्यूनिका फॉर्म द एपिडर्मिस. ठीक है, तो इन लोग का एप्लीकेशन अपनी अपनी जगह पे अलग अलग है. क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द ट्यूनिका कार्पस थ्योरी विच गिव द
ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, किसने हिस्टोजन थ्योरी दिया, किसने एपिकल सेल थ्योरी दिया, इसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं, टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू की तो बात हो गई, कितने तरह के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इन पे थ्योरी की भी बात हो गई, तीन थ्योरी की। व्हाट इज द परमानेंट टिश्यू? जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिवाइड करके जो सेल्स बनाती हैं, दे डज नॉट हैव द फर्दर डज नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ द फर्दर डिवीजन। उनमें क्या होती है, डिवीजन की कैपेसिटी खत्म, दे हैव द नो एबिलिटी ऑफ द डिवीजन, नो कैपेसिटी ऑफ द डिवीजन, दैट आर कॉल्ड एज द परमानेंट टिश्यू। देयरफॉर इट हैव द परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। क्योंकि अब डिवाइड नहीं होंगे, इनलार्जमेंट नहीं होगा, तो इनका शेप, साइज, फंक्शन क्या होगा, फिक्स हो जाता है, दैट आर कॉल्ड एज द परमानेंट टिश्यू। इस प्रोसेस को, जिससे क्या होता है, चूंकि बन किसे रहे, मेरिस्टमेटिक से, तो कभी तो मेरिस्टमेटिक रहे होंगे, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू व्हेन बिकम द परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस बाई विच ए मेरिस्टमेटिक टिश्यू बिकम द परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन। कभी कल क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन होता है, इट मीन्स द परमानेंट टिश्यू हैव रिगेन द कैपेसिटी ऑफ द डिवीजन एंड बिकम द मेरिस्टमेटिक टिश्यू, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डिडिफरेंशिएशन। उसको क्या कहते हैं, डिडिफरेंशिएशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू बिकम द परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन, कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन। देखिए परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, दे आर द कैटेगराइज इनटू द टू ग्रुप, वन इज कॉल्ड एज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, अनदर इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, दे आर द वेरियस टाइप लाइक दैट पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड द स्केलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होते हैं, दैट आर द जाइलम, फ्लोएम, इनकी बात करेंगे आगे। आइए चलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात, किन्हें कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो हमने जब टिश्यू की डिफिनेशन दिया था तो क्या कहा था, दे आर द ग्रुप ऑफ सेल विच हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन। सिमिलर स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन। ओके, अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्यों अलग हो गया भाई इसमें? तो अगर ग्रुप ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स ऑफ द ग्रुप आर द, ऑल सेल ऑफ द टिश्यू आर द सिमिलर टाइप, अगर एक ही तरह के सारे सेल्स हैं टिश्यू में, तो दैट आर कॉल्ड एज द सिंपल टिश्यू। अगर ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, जो टिश्यू के हैं, दे आर द डिफरेंट टाइप, देन इट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई कि नहीं? अगर सब एक जैसे हैं तो उसे क्या कहेंगे, सिंपल टिश्यू विच इज द मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। ओके, बाकी तो सेम है, ओरिजिन सेम होनी चाहिए, ओके, स्ट्रक्चर होना एक जैसा होना चाहिए एंड फंक्शन एक होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, दे आर द वेरियस टाइप, फर्स्ट इज द पैरेन्काइमा, ठीक है, दे आर द बेसिक टिश्यू, जनरली पाए जाते हैं, दे आर द लिविंग, दे आर द अनस्पेशलाइज्ड, दे हैव द थिन वॉल, इट हैव द इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए मेरिस्टमेटिक और इसमें अंतर क्या हुआ, दिट इज द आल्सो थिन वॉल, वो भी थिन वॉल था, बट डज नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेस, बट पैरेन्काइमा हैव द इंटरसेलुलर स्पेस। व्हाट इज द इंटरसेलुलर स्पेस, द स्पेस इन बिटवीन द सेल्स, इन बिटवीन, दीज आर द कॉल्ड एज द इंटरसेलुलर स्पेस, इट हैव द इंटरसेलुलर स्पेस। फंक्शन क्या होता है भाई, इट सपोर्ट द प्लांट, स्टोरेज ऑफ द फूड, स्टोरेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर्स। ओके, और दे ऑल आर द लिविंग सेल। चलिए बात करते हैं पैरेन्काइमा की, दे आर टू टाइप, वन इज कॉल्ड एज द क्लोरेन्काइमा, अनदर इज कॉल्ड एज द एयरेन्काइमा। इफ द पैरेन्काइमा सेल डज नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेस, डज नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेस, देन इट इज कॉल्ड एज द, सॉरी, पैरेन्काइमा टाइप की बात कर रहे हैं, पैरेन्काइमा टाइप, दे आर द टू टाइप, क्लोरेन्काइमा एंड द एयरेन्काइमा। व्हेन द पैरेन्काइमा हैविंग द क्लोरोफिल, अगर पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं विच हैविंग द क्लोरोफिल, दैट आर कॉल्ड द क्लोरेन्काइमा। इफ दे आर द फिल्ड विद, विद हैव द
एयर कैविटी दैट आर कॉल्ड द एयर एन काइमा, दैट आर कॉल्ड द एयर एन काइमा लाइक दैट इन द हाइड्रोफाइट। तो क्लोरीन काइमा का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। कुछ में स्टिलेट होते हैं, स्टार लाइक होते हैं, दैट आर कॉल्ड द स्टिलेट पैरेन्काइमा। दूसरा टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू दैट इज कॉल्ड द कोलेनकाइमा। दीज टिश्यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट। अक्सर देखते हैं स्टेम को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, एक एक लेवल तक आप मोड़ लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर प्लांट क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। लीफ को भी क्या करते हैं, एक लेवल तक, वीवे नहीं कर रहा हूं आप पूरा चिपका दो तो टूटेगा ही नहीं, एक लेवल तक क्या होती है, दैट आर द एक्सटेंसिबल। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है दैट इज ड्यू टू द कोलेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा टिश्यू होते हैं उनकी वजह से उनमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट ऑल्सो हेल्प इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द प्लांट। दे आर द इलांगेटेड सेल बट दे आर द इररेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर पे क्या होते हैं, दे आर बिकम द थिक वॉल। देखिए दीज आर द कोलेनकाइमा सेल और कोने पे क्या है, कॉर्नर पे इट हैज द थिकेंड वॉल। ओके, इट इज ऑल्सो लिविंग सेल्स, दे आर ऑल्सो लिविंग सेल्स। ठीक है, थर्ड वन इज द कॉल्ड एज द स्क्लेरेनकाइमा। अभी तक दो पढ़े आप क्या थे, दे आर द लिविंग, बट दीज टिश्यू आर द लॉन्ग नैरो एंड डेड सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा आर द डेड सेल्स, दे आर द थिकेंड सेल वॉल मेड अप ऑफ द सेलुलोज विथ लिग्निन। सेलुलोज के साथ ही क्या होता है, इनके सेल वॉल में लिग्निन का भी जमा हो जाता है। दे आर द थिक वॉल्ड सेल वॉल मेड अप ऑफ द सेलुलोज प्लस लिग्निन। इट फॉर्म द सिंपल पिट। सेल वॉल पे क्या होता है, कुछ एरिया होते हैं जहां पे लिग्निन का जमाव नहीं होता है, यानी थिन एरिया होती है, गैप होता है, दैट इज कॉल्ड एज द पिट। उसको क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द पिट। स्क्लेरेनकाइमा डज नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेस, डज नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेस। दे आर द टू टाइप, स्क्लेरिड्स एंड द फाइबर। स्क्लेरिड अगर सिलेंड्रिकल शेप के हैं, स्पेरिकल शेप के स्क्लेरेनकाइमा है, हाईली थिकेंडेड सेल है, नैरो ल्यूमेंस है लाइक दैट फाउंड इन द फ्रूट एंड सीड, दे आर कॉल्ड द स्क्लेरिड। अगर वो फाइबरस है, लंबे हैं, फाइबरस हैं, लंबे हैं, इलांगेटेड हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, दैट आर कॉल्ड द फाइबर। ठीक है, दे आर द इन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। देखिए मैं जो बीक सेक्शन की बात कर रहा था, देख रहे हैं ये है क्या, सेल वॉल, देख रहे हैं पूरा जमा हुआ है लिग्निन का, और बीच में क्या होते हैं, कई स्पेस होते हैं जहां पे लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता है, थिन एरिया पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिट। इसी को क्या कहते हैं, पिट आर द, अबे पिट कई तरह के होते हैं शेप के आधार पे, सिंपल पिट, कॉम्प्लेक्स पिट, डंबल शेप पिट, वो अलग बात हो गई है। ठीक है, तो इनकी खासियत क्या होती है, इट हैव द पिट, इट हैव द पिट, जबकि स्क्लेरेनकाइमा या पैरेन्काइमा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं भाई स्क्लेरेनकाइमा, आप तो फलों में देखते हैं, रेसे निकलते हैं, जाइलम में स्क्लेरेनकाइमा देखते हैं, या फ्लोएम में स्क्लेरेनकाइमा देखते हैं, फाइबर देखते हैं। इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। हाँ बेटा, अच्छा आ रहे हैं, हेलो हेलो हाँ जी जी, तो मैं बात कर रहा था कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप चाहे फ्रूट में देखें, स्क्लेरिड का तो स्टोन फ्रूट देखते हैं, अमरूद गुआवा में और या नाशपाती में, तमाम आपको दैट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्क्लेरिड्स। देखिए दैट आर द पैरेन्काइमा, इनमें क्या खासियत है, इंटरसेलुलर स्पेस है। कोलेनकाइमा में क्या है, थिक वॉल्ड है द कॉर्नर, कॉर्नर पे क्या है, इट बिकम द थिक वॉल। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, सब फील्ड हो गए हैं यहाँ पे, कहीं नहीं पाया जाएगा आपको। ओके, दीज आर द स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा में देखिए
एयर फील्ड है दैट आर कॉल्ड एयर एनकाइमा। अगर कलर्ड होते दैट इज कॉल्ड क्लोरीन काइमा। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्केलेटन काइमा। दीज आर द फाइबर थिक लिग्निफाइड वॉल। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये देखिए इनका ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर कट करेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, बीच में क्या होगा स्पेस होगा। इट डज नॉट हैव द साइटोप्लाज्म। पूरा पूरा क्या है फाइबर के बीच में खाली स्थान है। बिकॉज इट इज द डेड सेल। ये क्या है दे आर द डेड सेल। कौन स्केलेटन काइमा ठीक है। कंपरेटिव देख लीजिए पैरेन्काइमा इज द लिविंग, पैरेन्काइमा इज द लिविंग, स्केलेटन इज डेड। इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा में होता है, कोलेन्काइमा में बहुत कम होता है, स्केलेटन में टोटली एब्सेंट होता है। सेल वॉल की लेवल देखें पैरेन्काइमा में थिन सेल वॉल, कोलेन्काइमा में इररेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर एंड देन दे आर द थिकेंड विद द लिग्निन। ओके फंक्शन देखिए इट इज द स्टोरेज फोटोसिंथेसिस। कोलेन्काइमा इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन। दीज आर द सम डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा एंड द स्केलेटन काइमा। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स आर द परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू में क्या कहा इट इज मेड अप ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पे बात क्या हो गई पलट गई। दीज टिश्यू आर द मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं एक टिश्यू बनाते हैं विच परफॉर्म द स्पेसिफिक कॉमन फंक्शन लाइक दैट। जाइलम फंक्शन क्या है जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड फ्रॉम एरियल पार्ट टू द रूट। ओके फ्रॉम द लीफ टू द रूट या अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके तो दीज आर द मेड अप ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बट हैव द सिमिलर फंक्शन। सबका काम क्या है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जिम्मेदार है तो दैट आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू लाइक दैट जाइलम एंड फ्लोएम। ओके जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम एंड फ्लोएम टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं इट मेक द वैस्कुलर बंडल। इट मेक द वैस्कुलर बंडल। जाइलम क्या होते हैं जाइलम इज द जनरली इट इज द डेड सेल। मोस्टली इट इज द डेड सेल बट इट इज ऑल्सो हैव द सम लिविंग सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ द फोर काइंड ऑफ सेल्स ट्रैकियस वेसल्स जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। याद करना ट्रैकियस वेसल्स जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। व्हाट इज द फंक्शन इट इज द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड लीफ। स्टेम एंड लीफ देखिए अगर ट्रैकियस की बात करेंगे इट इज द ट्यूबुलर। इट इज द ऑल्सो ट्यूबुलर बट इंड इज द परफोरेटेड। इंड क्या होते हैं टेपर्ड हो जाते हैं जहां पे खत्म होते हैं वहां पे क्या हो जाते हैं टेपरिंग पाई जाती है और इनके बीच में परफोरेशन पाया जाता है जिसके थ्रू क्या होते हैं ट्यूब टू ट्यूब ये जुड़ते हैं दैट आर कॉल्ड द ट्रैकियस। जबकि वेसल्स क्या होते हैं दे आर द जस्ट लाइक द ट्यूब लाइक जैसे एक पाइप के ऊपर एक पाइप फिट कर दी गई। ओके दैट आर कॉल्ड द वेसल्स। इनके चारों तरफ कवरिंग में क्या पाए जाते हैं जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा कवर किए रहते हैं। देखिए ट्रैकियस आर द ऑल्सो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। इट इज द डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म क्योंकि डेड सेल्स हैं। वेसल्स आर द ऑल्सो ट्यूबुलर सेल विथ टैपरिंग एंड दैट हैव द लिग्निफाइड वॉल विदाउट प्रोटोप्लाज्म परफोरेशन आर द प्रेजेंट। अगर बात करोगे किन में पाया जाता है जाइलम तो जाइलम एंड फ्लोएम आर फाउंड इन द दोज प्लांट दे आर कॉल्ड द वैस्कुलर प्लांट। जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट। और जाइलम एंड फ्लोएम आर फाउंड फ्रॉम टेडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। दीज आर कॉल्ड द वैस्कुलर प्लांट बट द वेसल्स आर द ओनली प्रेजेंट इन द केस ऑफ द एंजियोस्पर्म। केवल कहाँ पाया जाता है एंजियोस्पर्म में टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में। जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते वहां पे
केवल ट्राइकिट्स पाया जाता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ओके, तो देज आर कॉल्ड द नॉन वेसल्स। एनजीओ का मतलब तो क्या होता है, वेसल्स प्लांट होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सेक्शन वाइज देखिए, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, देख रहे हैं, दीज आर द वेसल्स, ये पूरा ट्यूब है, आधी कटी हुई है, देख रहे हैं गोलाकार, ये पूरी क्या है, दैट आर द वेसल्स, इसके चारों तरफ क्या है, दैट आर कॉल्ड द ट्रैकीट्स, ये सब क्या है साथ में, ट्रैकीट्स, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ओके, इनके वॉल्स की क्या खासियत होती है, वॉल पे तमाम वीक एरिया पाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड द पिट्स, इनको क्या कहते हैं, पिट्स, कई तरह का अरेंजमेंट होता है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए ट्रैकीट्स क्या है, देखिए एक गए यहाँ पे क्या हो गए, ब्लॉक कर गए, टैपर्ड कर गए, फिर एक मिल, तो दे आर द फॉर्म द वेसल्स फॉर्म द कंटिन्यूअस ट्यूब, जबकि ट्रैकीट्स क्या है, एक लेवल तक गए फिर इंड हो गए, एक लेवल तक गए फिर इंड हो गए, फिर यहाँ साइड बाई साइड होने लगा। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करोगे, इट इज द थिन वॉल्ड लिविंग सेल, इट ऑल्सो स्टोरेज स्टोर द फूड, और जब जाइलम पुराना हो जाता है तो दीज पैरेन्काइमा आर द क्या, जो मेम्ब्रेन होती है, दे आर द प्रोट्रूड आउट, बाहर निकल आती है, करके वेसल्स को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, दैट आर कॉल्ड द टाइलोसेज, उसको क्या बोलते हैं, टाइलोसेज, और क्या होता है, धीरे धीरे अंदर से जाइलम डेड करती जाती है, प्लांट जितना पुराना होता जाएगा बाहर की तरफ क्या होता जाएगा, तो टेम्बियम कट करता जाएगा, लेकिन अंदर की जाइलम डेड करती जाएगी। और देखते होंगे दो तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, बहुत पुराना अगर पेड़ का वुड कटा हो तो ब्लैक कलर का अंदर में दिखता है, दैट इज कॉल्ड द हार्ट वुड, उसको क्या कहते हैं, हार्ट वुड, क्योंकि कोई इन्फेक्शन से या जाइलम पैरेन्काइमा क्या करती है, टाइलोसेज बना लेती है, जिससे जाइलम वेसल्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक कर जाते हैं, और फर्दर उनमें वाटर का कंडक्शन नहीं होता है। और जाइलम फाइबर्स दे आर द सपोर्ट, दिस इज द आल्सो डेड सेल्स। यही जाइलम में बात करो कि दो कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है प्रोटोजाइलम, एक आता है मेटाजाइलम। जो जाइलम फर्स्टली डेवलप किया, जो सबसे पहले जाइलम डेवलप किया थ्रू द आपके मेरिस्टेम्स के द्वारा, जो प्राइमरी मेरिस्टेम से बना, दैट आर कॉल्ड द प्रोटोजाइलम, दैट कॉल्ड द प्रोटोजाइलम, दे आर द वेरी एक्टिव, इट हैज द स्मॉल ल्यूमन। प्रोटोजाइलम से जो जाइलम बने, दैट आर, उसके बाद जो बने, उसके बाद जो जाइलम का पार्ट बना, दैट इज कॉल्ड द मेटाजाइलम। दोनों कहां से बन रहे हैं, फ्रॉम द मेरिस्टेम, मेरिस्टेम से डेवलप हुए, दैट आर द प्रोटोजाइलम एंड द मेटाजाइलम। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द प्रोटोजाइलम या डायरेक्शन ऑफ द प्रोटोजाइलम, वेस्कुलर बंडल आर द टू टाइप, इनडार्क एंड एक्सार्क। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, यानी स्टेम के अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, तो दैट इज कॉल्ड द इनडार्क। अगर वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, दैट आर कॉल्ड द एक्सार्क। एक्सार्क कंडीशन इज जनरली फाउंड इन द रूट्स, और इनडार्क कंडीशन ओनली फाउंड इन द स्टेम। स्टेम में क्या होता है, जाइलम की पोजीशन प्रोटोजाइलम की अंदर की तरफ, जबकि रूट में बाहर की तरफ। ओके, चलिए बात कर लें दूसरे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, दैट इज द फ्लोएम। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है, लीफ में, और लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, चाहे वो रूट हो, वहां तक फूड को कंडक्ट करने का काम किसका है, दैट इज द फ्लोएम। इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ द सम लिविंग सेल्स एंड द डेड सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ द फोर कंपोनेंट, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स आर द फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो दैट आर द सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द फ्लोएम फाइबर्स। देखिए दीज आर द सीव ट्यूब, देख रहे हैं, और दीज आर द कंपेनियन सेल। ओके, सीव ट्यूब क्या होते हैं, दे आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक दूसरे से ज्वाइंट करके क्या बनाते हैं, एक कंटिन्यूअस ट्यूब बनाते हैं। इट इज इट हैविंग द ए प्लेट, दैट आर कॉल्ड द सी प्लेट, व्हिच इज द परफोरेटेड,
ये पोर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द परफोरेशन प्लेट, और दी मेक द, जबकि कंपेनियन सेल में क्या होता है, इट डज नॉट हैव द एनी परफोरेशन, ओके, दे आर द लिविंग सेल, ओके। और एक एक की बात करें, व्हाट इज द सीव ट्यूब, इट इज द ट्यूबुलर सेल, इट इज द, इट हैव द विद द परफोरेटेड वॉल्स, सीव ट्यूब, इट हैव द लार्ज वैक्यूल्स, नो न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सीव ट्यूब में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि बाहर की तरफ क्या, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। फ्यूजन ऑफ द सीव सेल्स आर कॉल्ड एज द सिन सिस्ट, ओके, दैट कॉल्ड द सिन सिस्ट्स। कंपेनियन सेल, दे आर द स्पेशलाइज पैरेन्काइमा, एक पैरेन्काइमा ही है, दे आर द स्पेशलाइज पैरेन्काइमा विच रेगुलेट द मेटाबोलिक एक्टिविटी ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। कंपेनियन सेल्स आर द ऑब्सेंट इन द केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, कंपेनियन सेल नहीं होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, दे आर द इलांगेटेड सिलिंड्रिकल और लाइक दैट, बट दीज पैरेन्काइमा आर द ऑब्सेंट इन द मोस्ट ऑफ द मोनोकार्ड। फ्लोएम पैरेन्काइमा, इट इज द स्क्लेरेन्काइमेटर डेड सेल एंड एक्सट्रीमली थिक सेल वॉल, इट गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द फ्लोएम आर द स्टेम। यहां भी आता है प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम, अगर जो फर्स्टली डिराइव है प्राइमरी फ्लोएम दैट आर कॉल्ड द प्रोटोफ्लोएम, और उसके बाद जो बनते हैं दैट आर कॉल्ड द मेटाफ्लोएम, और जो कैम्बियम के द्वारा बनते हैं लेटरल मेरिस्टेम से बनते हैं दैट आर कॉल्ड द सेकेंडरी फ्लोएम आर द सेकेंडरी जाइलम। तो जो शुरुआत में बने हुए फ्लोएम है, शुरू में डिराइव हुए हैं थ्रू द मेरिस्टमेटिक सेल्स दैट आर कॉल्ड द प्रोटोफ्लोएम आर द मेटाफ्लोएम। व्हाट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ऑलरेडी दोनों में चार कंपोनेंट होते हैं, दोनों अलग अलग कंपोनेंट के बने होते हैं, एक जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन करते, सॉरी, एक वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इट इज द यूनिडायरेक्शनल, हमेशा क्या होता है, रूट से अपवर्ड होता है, जबकि फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल, लीफ से नीचे की तरफ भी जाएगा, साइड में भी जाएगा, अन्य जगहों पे भी जाएगा, दैट इज द बाई डायरेक्शनल, ओके। जाइलम जनरली इट इज द मेडअप ऑफ द डेड एट द मेच्योरिटी, टोटली क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, जबकि फ्लोएम में क्या होते हैं, मोस्टली दे आर द लिविंग। अगर केवल फ्लोएम स्केलेनकाइमा निकाल दें तो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर द लिविंग, इवन सीव ट्यूब दैट आर ऑल्सो लिविंग विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो नहीं होता है लेकिन प्रोटोप्लाज्म उसमें होता है, और उसकी एक्टिविटी, मेटाबोलिक एक्टिविटी को किससे कंट्रोल किया जाता है, कंपेनियन सेल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जाइलम जनरली फाउंड इन द सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल, जबकि वैस्कुलर बंडल ये क्या पाए जाते हैं, फ्लोएम, आउटसाइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल। चलिए भाई, सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंस ऑलरेडी बता चुके हैं, सिंपल टिश्यू हर पार्ट में पाए जाते हैं जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंट स्पेसिफिक पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर द मेडअप ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ सेल, दे आर मेडअप ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ओके। अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा सेल लेवल की बात हो गई, टिश्यू लेवल की बात हो गई, अब बात करते हैं व्हाट इज द प्लांट टिश्यू सिस्टम। बेस्ड ऑन द फंक्शन इन द प्लांट थ्री सिस्टम आर द प्रेजेंट, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इपिडर्मल क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, जो प्लांट बॉडी के कवर को बनाते हैं, बाहरी आवरण को बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द मेक द इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ओके। इट इज मेड अप ऑफ द इपिडर्मिस, स्टोमेटा, इपिडर्मल अपेंडेज लाइक द ट्राइकोम्स, हेयर आर इवन क्यूटिकल, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूट टूगेदर द इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इट फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। इपिडर्मिस क्या होता है, जनरली इट इज द सिंगल लेयर,
सिंगल लेयर कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स. इट प्रिवेंट द वाटर लॉस. इट इज समटाइम इट इज कवर्ड बाय द थिक वैक्सी लेयर दैट इज कॉल्ड द क्यूटिकल. कुछ प्लांट में कवर होता है, किसमें नहीं होता, ठीक है. और एट द सम प्लेस इट कंसिस्ट ऑफ द स्पेशल टाइप पोर लाइक सेल्स दैट आर कॉल्ड द स्टोमेटा. बीच बीच में क्या होते हैं, एपिडर्मिस इंटरप्ट होते हैं बाय द पोर दैट आर कॉल्ड द स्टोमेटा. ओके, दीज आर द स्टोमेटा. अभी स्टोमेटा अभी हम लोग एक बार एक पूरा टॉपिक ही पढ़ना है पूरा डिटेल, ठीक है. तो वहां हम पढ़ेंगे व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टोमेटा, क्या फंक्शन है, कितने तरह के होते हैं, ठीक है. स्टोमेटा आर मेड अप ऑफ द टू काइंड ऑफ सेल. वन इज द टू किडनी शेप सेल दैट आर कॉल्ड एज द गार्ड सेल एंड इट इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ सेल दैट आर कॉल्ड एज द सब्सिडरी सेल. ओके, दीज आर द गार्ड सेल्स और दीज आर कॉल्ड एज द सब्सिडरी सेल. गार्ड सेल की खासियत क्या होती है, जो पोर को कवर करते हैं दैट आर द थिक वॉल एंड दैट आर द इन इलास्टिक. जबकि बाहर की होती है वॉल होती है इसकी आउटर वॉल दैट इज द थिन एंड द इलास्टिक. इट हेल्प इन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. ओके, ऑपरेटर्स की बात करोगे तो इपिडर्मिस से ही क्या एराइज होते हैं, रूट हेयर एराइज होते हैं, ट्राइकोम से एराइज होते हैं. रूट हेयर क्या होते हैं, देट आर द यूनिसेलुलर, जबकि जो ट्राइकोम्स होते हैं दे आर द मल्टी सेलुलर. रूट हेयर क्या होते हैं, दैट आर द यूनिसेलुलर, जबकि ट्राइकोम्स क्या होते हैं, दे आर द मल्टी सेलुलर. देखिए रूट हेयर्स हैं, देख रहे हैं इपिडर्मल सेल्स ही क्या कर रही है, इमर्ज आउट करके क्या बना रही है, रूट हेयर. इट इज द यूनिसेलुलर इलांगेशन ऑफ द इपिडर्मल सेल्स इन द रूट. इट हेल्प इन द वाटर एंड मिनरल एजॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल. जबकि ट्राइकोम्स क्या है, इट इज द मल्टी सेलुलर इलांगेशन ऑफ द इपिडर्मल सेल इन द सूट सिस्टम. जनरली इट इज फाउंड इन द स्टेम दैट आर कॉल्ड एज द ट्राइकोम्स. इनको क्या बोलते हैं हम, यहाँ रूट हेयर नहीं बोलेंगे, दैट आर कॉल्ड एज द ट्राइकोम. इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रिवेंटिंग वाटर लॉस. ग्राउंड टिश्यू क्या होता है भाई, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट डर्मल सेल एंड वैस्कुलर टिश्यू. डर्मल यानी इपिडर्मल सेल प्लस वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम को छोड़ के जो भी सेल्स हैं टिश्यू हैं दैट आर कॉल्ड एज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. इट इंक्लूड द पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा आर द कॉर्टेक्स पिथ दैट आर कंस्टिट्यूट टुगेदर द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम. दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दैट इज द वैस्कुलर बंडल. और दिस कॉन्स्टिट्यूट ए सिस्टम कंडक्टिंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. देखो अगर वैस्कुलर बंडल की बात करो तो वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, दे आर द टू टाइप, ओपन वैस्कुलर बंडल आर द क्लोज वैस्कुलर बंडल. अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बने हुए हैं, अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो उस वैस्कुलर बंडल को क्या कहेंगे हम, ओपन वैस्कुलर बंडल. इट इज फाउंड इन द डाइकॉट स्टेम. डाइकॉट में क्या पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल ओपन होते हैं. क्लोज वैस्कुलर बंडल व्हेन द कैम्बियम आर द अब्सेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम लाइक दैट इन द मोनोकॉट दैट वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल. अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम फ्लोएम इन द वैस्कुलर बंडल इट इज द टू टाइप कंजॉइंट एंड द रेडियल. रेडियल अरेंजमेंट क्या होता है, अगर जाइलम और फ्लोएम पाए तो जाते हैं लेकिन दे आर द प्रेजेंट एट द डिफरेंट रेडियाई, दे आर द प्रेजेंट एट द डिफरेंट रेडियाई. देखिए ये है फ्लोएम दैट आर फाउंड इन द दिस रेडियाई और ये दिस इज द जाइलम, दे आर फाउंड इन द डिफरेंट रेडियाई. दैट टाइप अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द रेडियल अरेंजमेंट. या आप एक कह सकते हो अल्टरनेट पोजिशन पे जाइलम देन फ्लोएम देन जाइलम देन फ्लोएम, दिस टाइप अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द रेडियल अरेंजमेंट. जबकि कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, दोज अरेंजमेंट इन विच द जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियाई. जाइलम एंड फ्लोएम क्या हो, एक ही रेडियाई पे हो तो उस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल.
कैम्बियम के आधार पे एक तो क्लोज हो गया एक ओपन हो गया, अगर दो कैम्बियम है एक आउटर साइड में एक इनर साइड में दोनों तरफ, दैट इज कॉल्ड द बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल, को क्या कहेंगे कोलेटरल वैस्कुलर बंडल। कई प्लांट में हम देखते हैं क्या होता है, जाइलम बीच में होता है और फ्लोएम से पूरा कवर होता है, दैट इज कॉल्ड द एम्फीक्राइबल, उसे क्या कहते हैं एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल। कुछ में क्या होता है फ्लोएम बीच में होता है और चारों तरफ से क्या होता है जाइलम से सराउंड होता है, दैट टाइप वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड द एम्फीबेसल, दैट आर कॉल्ड द एम्फीबेसल, और जब फ्लोएम कवर करता है तो उसे क्या कहते हैं एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल। तो ये दीज आर द कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल, दीज आर द वाई कोलेस्ट्रल बंडल, दिस इज द एम्फीक्राइबल, दिस इज द एम्फी वैस्कुलर बंडल, ठीक है। अब मोनोकार्ट रूट की बात कर ले, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ द रूट, एनाटॉमी ऑफ द स्टेम, मोनोकार्ट डाइकार्ट, एनाटॉमी ऑफ द स्टेम ऑफ द मोनोकार्ट एंड द डाइकार्ट, एनाटॉमी ऑफ द लीफ ऑफ द मोनोकार्ट एंड द डाइकार्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो कल इसको हम लोग कवर करेंगे, आज हो नहीं पाएगा लंबा है, ठीक है। ओके थैंक यू।